हेलो फ्रेंड्स, semirumakitchen.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस मूंग दाल की पूड़ी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में एक कप गेहूँ का आटा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें 2 सूखी खड़ी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच खड़ी सूखी धनिया, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार और 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसका मिक्सर तैयार कर लिया है। इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। अब इसमें बारीक कटा हुआ छोटा प्याज और बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर इनको अच्छे से मिला लेंगे। पूड़ी के ऊपर की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब एक फॉर्क की सहायता से इसमें छेद कर लेंगे ताकि पूड़ी हमारी फूले ना और इसमें बबल्स ना पड़े। अब हम एक ग्लास की सहायता से इसको गोल शेप में कट कर लेंगे और इसकी साइड्स को हटा देंगे। अब हम एक पूड़ी लेंगे और इसके ऊपर मिक्सर को अच्छे से फैला लेंगे। ये लीजिए, हमारी चटपटी मसालेदार पूड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में ऑयल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले पूड़ी को स्टफिंग के साइड से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इनको पलट लेंगे और इस तरफ से भी इनको करारा होने तक सेक लेंगे। बीच बीच में कचौड़ियों को 2 से 3 बार पलट लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे अच्छे से सिक जाएं। ये लीजिए, हमारी चटपटी मसालेदार मूंग दाल की पूड़ी तैयार है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाय।